लोग आपको कहेंगे कि स्टॉक मार्केट तो एक जुआ बाजार है, एक सट्टा बाजार है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि हाउ राकेश झुनझुनवाला बिकम मिलेनियर फ्रॉम स्टॉक मार्केट। राकेश झुनझुनवाला के सक्सेस स्टोरी को हम यहाँ पर देखेंगे कि 5000 से कैसे उन्होंने 50,000 करोड़ की जर्नी तय किया। ये है हमारे राकेश झुनझुनवाला सर, जिन्हें इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है। ये स्टॉक मार्केट से 50,000 करोड़ अर्न किए हैं। तो सबसे पहले 1985 में 5000 रुपए लेकर के आए थे स्टॉक मार्केट में, जब सेंसेक्स जो है 150 पॉइंट पे मात्र था, और अभी 52,000 पॉइंट से भी ऊपर जा चुका है। तो इतना ज्यादा ग्रो किया है स्टॉक मार्केट। जल्द ही राकेश झुनझुनवाला जी ने अपने भाई के क्लाइंट से 2.5 लाख रुपया इस शर्त पर लिए कि वो FD से ज्यादा रिटर्न उन्हें देंगे। देखिए, राकेश झुनझुनवाला सर ने 1986 में सबसे बड़ा प्रॉफिट अपना किया 5 लाख रुपये का। उन्होंने टाटा टी के शेयर को 43 रुपये पर बाय किया और 3 महीने बाद 143 रुपये पर उन्हें सेल किया, और यहां पर जो उन्हें प्रॉफिट हुआ लगभग 3 टाइम्स का। तो ये बड़ा प्रॉफिट था जहां से उन्होंने शुरुआत किया मार्केट में। फिर अगले 3 सालों में 86 से 89 तक में उन्होंने 20 से 25 लाख मार्केट से कमाए। फिर जो बिग इन्वेस्टमेंट था उनका, वो सीसा गोया में था, वो उन्होंने इसे 28 रुपये पे बाय किया और फिर अपना स्टेक इंक्रीज किया 35 रुपीज पे, और जल्द ही उन्होंने 65 पे अपना प्रॉफिट भी बुक लिया। इस तरह से इसमें इन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करके एक बहुत बड़ा प्रॉफिट उन्होंने अर्न किया। राकेश झुनझुनवाला सर अपने स्टॉक मार्केट कैरियर में कई सारे मल्टीबैगर स्टॉक में इन्वेस्ट किए, जैसे टाइटन हो गया, लुपिन हो गया, क्रिसिल हो गया, प्राज इंडस्ट्री हो गया, अरविंदो फार्मा हो गया, एनसीसी हो गया, एक्सेट्रा। तो ये सारे मल्टीबैगर शेयर थे जिसमें राकेश झुनझुनवाला शेयर ने अपने स्टॉक मार्केट के करियर में इन्वेस्ट किया और वहां से अपना वेल्थ जनरेट किए। उन्होंने अभी तक टाइटन और लुपिन, क्रिसिल, इस सब में अपना स्टेक रखा है, एनसीसी में भी रखा है, और भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो कि आने वाली वीडियो में आपको बताएंगे। तो ऐसे ही एजुकेशन इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।